हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी कॉर्नर। मैं चंद्र आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हुए एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। यह वीडियो है नदियों के प्राचीन नाम के लिए, एंशियंट नेम्स ऑफ रिवर्स, जैसे कि चिनाब, ब्यास, सतलज, सिंध, गंडक इत्यादि जो भी नदियां हैं। इस वीडियो में तो आप 13 पॉइंट देखेंगे। उन नदियों के प्राचीन नाम क्या है, इससे संबंधित एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो इसलिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निवेदन है आपसे, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में एक क्विज भी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सिंधु नदी से, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंडस नदी। और आप यहाँ पे जितनी भी नदियां देख रहे हैं, झेलम, चिनाब, रवि, सतलज, ब्यास नदी, ये सभी के सभी आगे जाकर इसी इंडस यानी कि सिंधु नदी में मिल जाते हैं। तो हम शुरुआत इन्हीं नदियों से करेंगे, इनका प्राचीन नाम जान करके। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले दो कॉलम में बांट लेते हैं, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम में। आधुनिक नाम यानी कि मॉडर्न नेम और प्राचीन नाम यानी कि एंशियंट नेम। पॉइंट होगा सबसे पहला हमारा कि चिनाब नदी को प्राचीन नाम में क्या कहते हैं, तो ये होगा आश्किनी। याद रखने के लिए चिनाब को कर लीजिए चुनाव यानी कि इलेक्शन। और हम सभी जानते हैं कि जैसे ही चुनाव का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है, तो जो भी उम्मीदवार यानी कि कैंडिडेट होते हैं नेता के रूप में, वो पूछने आ जाते हैं आपकी खैरियत, भैया सब ठीक है ना, वोट हम ही को दीजिएगा। चुनाव के टाइम में आस्क करने आते हैं, आस्क मतलब पूछने आते हैं, चुनाव पर चिनाब नदी और आस्क करने यानी कि आश्किनी, जो कि प्राचीन नाम है, तो बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। तो अब आगे व्यास नदी, प्राचीन नाम है विपाशा। यदि प को थोड़ा सा य करके सोचें, क्योंकि प और य में अंतर इतना ही होता है कि ऊपर में नाग जैसा बना रहता है, य का देखें आप, तो यहाँ पे व्यास लिखा हुआ, अगर हम प को य करते तो क्या पढ़ सकते हैं, व्यासा। यहाँ पे व्यास, यहाँ पे व्यासा, क्या अंतर है, कुछ नहीं, व्यासा विपाशा, बस भूलेंगे नहीं, विश्वास है मेरा। नेक्स्ट नदी का नाम हम देखेंगे सतलज के रूप में, जिसका पुराना नाम सतुद्री है। याद रखने के लिए सिंपल सा, बहुत सिंपल सा जाएंगे, कुछ ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। देखिए सत्तु है यहाँ पे लिखा हुआ, सत्तुलज, और नाम देखिए प्राचीन का सेम है, सत्तुद्री, सत्तु सत्तु, क्या दिक्कत है, आपको तो ऑप्शन मिलना है, और एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा नाम। तो सत्तु सतुलज, सत्तु सतुद्री, तो ऐसे बहुत सारे नाम आपको और भी मिलेंगे जिनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम मैच खा जाएगा, इसलिए उनमें ट्रिक बनाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए यहाँ पे सिंधु नदी, सॉरी सिंध नदी, सिंध जो है आधुनिक नाम है, मॉडर्न नेम। यदि प्राचीन नाम की बात करते हो जाएगा सिंधु, और इंग्लिश में इंडस, तो ऐसे ही मिल रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंडस तो नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। देखिए हिंदी में पढ़ के देखिए ना, इंदूस, सिंधु, इंदू, सिंध, क्या है, क्या नहीं मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाएगा यदि पूछेगा तो, ऐसे टिक मार के आइएगा इससे। नेक्स्ट रावी नदी, रावी नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा परुषनी रावी नदी, या फिर पुरुषनी नदी भी कहते हैं। तो अभी तक ऐसा नाम कोई नहीं आया था जिसमें व्यक्ति का नाम मिल जाए, यहाँ पे व्यक्ति का नाम मिल रहा है, व्यक्ति मतलब पुरुष का नाम मिल रहा है, वो है रवि नाम। तो रवि किसका नाम है, पुरुष का, पुरुष यानी कि पुरुषनी नदी, सिंपल। नेक्स्ट झेलम नदी, झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता, वितस्ता नदी। चलिए इसे याद रखते हैं, अच्छा से समझिएगा मैं जो कहना जा रहा हूँ। वितस्ता को आप ऐसे समझिए कि बीता हुआ दास्तान, जैसे कि हम पुरानी कुछ भी कहानी बताएं, मेरे साथ क्या क्या दुख मैंने झेला है, क्या क्या मेरे साथ हुआ है, तो जो भी मैं बीता हुआ दस्ता बताऊंगा वो हो जाएगा वितस्ता। और बीता हुआ दस्ता में क्या बताया जाता है, कि दुख क्या क्या मैंने झेला है, क्या क्या खुशी मेरे साथ हुई है, वो सब चीज़। तो झेलना, झेलम, बीता हुआ दस्ता, बहुत मैच कर रहा है, बहुत एकदम सिमिलरिटी दोनों में कूट कूट के भरा हुआ है, तो बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं, क्या क्या झेला है, इसका वितस्ता, बीता हुआ दस्ता बताना। तो ये हुआ सिंधु नदी मिलने वाली नदियाँ, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, याद भी हो गया आपको। नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं गंडक नदी की। गंडक कहाँ पर है, आप देख सकते हैं मैप में, ये हो जाएगा नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करने वाली नदी है ये गंडक। चलिए इसका प्राचीन नाम देख लें, प्राचीन नाम है सदा नीरा। गंडक में एक वर्ड लिखा हुआ गंदा, अभी आधुनिक की बात करें इसलिए गंदा है, जानते ही हैं कि अधिकांश नदियाँ अभी हमारे कारण, हम मनुष्यों के कारण ये गंदी हो गई हैं, इसलिए ये नाम भी देखिए ना गंडक है। लेकिन प्राचीन की बात करें तो ऐसा नहीं था, ये सदा नीरा हुआ करती थी, सदा सफ़ेद, स्वच्छ, साफ
नीरा यानी कि पानी, तो सदा नीरा यानी कि साफ पानी हुआ करती थी प्राचीन की बात करें तो। आधुनिक की बात करें तब ये गंदी हो गई है, यानी कि गंडक। क्लियर, भूलना बिल्कुल नहीं आप। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सरस्वती नदी के साथ में बहने वाली घग्गर नदी की, जिसे अब माना जाता है कि लुप्त हो चुकी है या फिर लुप्त होने के कगार पे है। तो बात कर लेते हैं इसके प्राचीन नाम की। प्राचीन नाम है दृश्यद्वती, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है दृश्यद्वती। याद करने की ट्रिक की बात करें तो घग्गर में आपको घर वर्ड दिखाई देगा, ये देखिए घर हो गया। दृश्यद्वती को ऐसे पढ़िए कि दृश्य देती, लुक देती। कोई भी चीज अच्छा होता है तो लुक देता है ना, मैंने कि मस्त दिखता है। तो घर जो है अक्सर लोग ऐसा ही बनाते हैं कि वो लुक देने वाला हो। तो देखिए साउथ इंडियन टाइम बात करते हैं, अयो हम घर ऐसा बनाती कि दृश्य देती, लोग देते रह जाती। तो घर घग्गर दृश्य देती यानी लुक देती और बनाती ऐसा ही। चलिए अब कुछ ऐसे नदियों के बारे में बात करते हैं जो अब हमारे देश में तो नहीं है लेकिन हमारे देश के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एक समय ये नदियाँ हमारे ही देश में हुआ करती थी, बंटवारे के बाद या फिर जिस कारण से भी ये अब हमारे देश में नहीं है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? कुर्रम, काबुल, स्वात, सोहन, गोमल। इन सब का प्राचीन नाम याद रखना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं काबुल से, जिसका प्राचीन नाम है कुभा। एक और नाम देख लीजिए कुर्रम, और इसका प्राचीन नाम है कुभू। दोनों ही नाम में कितनी समानता है आप खुद महसूस कर रहे होंगे। चलिए अभी आपने देख लिया है तो मे भी आप एक घंटे के लिए या फिर पूरे दिन के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कल परसों या फिर तरसों से आप इसका ये बताना भूल जाएंगे कि काबुल का कुभू था कि कुभा था, हो सकता है ये। तो चलिए हम कह लिए हैं यहाँ पे, हम ट्रिक बता देते हैं आपको। देखिए नाम में ही रिलेट करके देख लिया जाए बहुत ईजी रहेगा। देखिए काबुल में आकार अंत है और इसीलिए कुभा में भी आकार अंत आपको दिख रहा होगा, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं काबुल काभा। और कुर्रम में देखिए दोनों में उकार अंत है, कुर्रम कुभू, तो आप ऐसे पढ़िए कुर्रम कुभू। तो जब उकार अंत वाला पूछेगा कुर्रम का तो सब कुछ उकार अंत कर दीजिएगा, और आकार अंत पूछेगा काबुल तो आप आकार अंत वाला आंसर दीजिएगा, काभा भी कह सकते हैं, बाकी ऑप्शन आपका काम कर देगा। तो इस तरह से आप भूलेंगे नहीं, पक्का विश्वास है आप, ठीक है। नेक्स्ट अब गोमल है, और इसका नाम बिल्कुल मिलता जुलता है प्राचीन नाम से, गोम और गोम दोनों में है, गोमल गोमती। नेक्स्ट है स्वात नदी। स्वात नदी का नाम जो है प्राचीन नाम से फिर से मिलता जुलता मिलेगा आपको, स्वात स्वातु सुवास्तु, है ना नाम मिलता जुलता, तो भूलेंगे कि आप नहीं। नेक्स्ट है सोहन, और ये शायद लास्ट नेम है, और इसका प्राचीन नाम है सुषोमा। तो सोहन कर दीजिए सहना, सहना बर्दाश्त करना ऐसा कुछ। क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है? क्योंकि बगल में सुषोमा है, यानी कि सुषुम चीज़ है, सुषुम बोलते हैं गर्म चीज़ को, सुषुम बोलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो अधिक सुषुम तो सहना क्या सह रहे हैं, तो सुषुम चीज़ सह रहे हैं, इसलिए सुषोमा है बगल में। तो इस तरह से सभी आधुनिक नाम और प्राचीन नाम समाप्त हुए। अब आपको करना ये है क्विज देना है, एक टेस्ट। 13 का 13 नदी का जो मैंने आपको बताया है सब कुछ आपको बताना है। आपको क्विज कॉर्नर ऐप ओपन करना है, यदि आपने इंस्टॉल कर लिया है तो यहाँ पे आपको स्टार्ट क्विज दिखेगा, क्लिक करना है और नीचे जाना है आपको। क्योंकि हमारा टॉपिक नदी के लिए है इसलिए हमारा कैटेगरी होगा रिवर जीके, तो हम रिवर जीके सर्च करेंगे, जैसे ही मिलेगा हम उस पर क्लिक करेंगे, सेट नंबर 11 में जाएंगे। तो ये हमारा रिवर जीके मिल गया, इस पर क्लिक करेंगे और सेट नंबर 11 आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा जो क्वेश्चन आ जाएगा सामने, सबको एक एक करके राइट आंसर देके खुद को चेक करेंगे कि हमने कितना जाना है, कितना दिमाग में अभी तक फिट है। जो नहीं है उसका रिवीजन भी हो जाएगा आसानी से, तो ये बहुत ईजी है और बहुत ज़रूरी भी है रिवीजन करना। तो यदि आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, प्ले स्टोर पर सिंपली आप सर्च करेंगे क्विज कॉर्नर बिना स्पेस के, तो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक नहीं किया है, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका काम बस इतना ही है कि हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके और हमारे वीडियो पर व्यू आए, जिसे देख करके हमारा मनोबल उत्सुकता दोनों बढ़े और न्यू वीडियो बनाने के लिए और तेज़ी से आगे बढ़ सकूँ। ये आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही सजाए, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।